नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 30 साल के ट्रांसजेंडर कैसी सुलिवान ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसके फोटो शेयर किए। उन्होंने अपने बच्चे का नाम फीनिक्स रखा है। कैसी ने सर्जरी से बच्चे को जन्म दिया। इसके लिए उन्हें 7 दिनों तक लेबर पेन सहना पड़ा। ट्रांसजेंडर होने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान लोगों ने कैसी का मजाक उड़ाया। रास्ते में मिलने वाले लोग कैसी के बेबी बम्प को देखकर उन पर हंसते थे। कैसी कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जब मैंने पहली बार फीनिक्स की आवाज़ सुनी तो उस पल की खुशी मेरे लिए बयान करना मुश्किल है। कैसी के अनुसार जब लोग मेरी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाते थे तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कैसी के अनुसार एक बच्चे को जन्म देने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता है। एक पुरुष होते हुए मैंने महिलाओं को होने वाले लेबर पेन और मॉर्निंग सिकनेस को महसूस किया है। कैसी ने प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के दिनों को फोटो और वीडियो के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब चैनल तक पहुंचाया। कैसी चाहते हैं एक ट्रांसजेंडर रहते हुए बच्चे को जन्म देने की बात वे लोगों तक पहुंचाएं। इससे दूसरे ट्रांसजेंडर्स में पेरेंट्स बनने की हिचकिचाहट खत्म होगी।